ये ग्राम है बरोही फार्म, गन्ना विकास परिषद बिलाया, जिला लखीमपुर खीरी। और आपका भैया क्या नाम है? अशोक जी, आगे आओ जरा, इसके इंजीनियर आप ही हैं। ये सरदार केवल सिंह जी हैं, ये सरदार कुलदीप सिंह जी हैं, जिनका खेत है, और ये आप किराए चला रहे हैं जी। तो ये है क्या? करहा है। करहा जी? करहा तो हम लोग दो हाथ से खींचा करते थे, वो लकड़ी वाला। बेसला है ये। कौन है? कंप्यूटर करहा है। ये कंप्यूटर करहा यानी लेबल करने वाला खेत। तो ये काम कैसे करता है जरा इसकी टेक्निक बताओ। काम ये मशीन है, खेत में लगी है। वो मशीन लगी है? हाँ। तो उसको क्या बोलते हैं? मशीन, टैची वाली मशीन है वो। है? मशीन है वो। उससे और इस मशीन का क्या कोई? वो मशीन है, एक ट्रैक्टर पे मशीन लगी है। ट्रैक्टर पे कहाँ लगी? ये लगी है सामने। अच्छा। हाँ। तो ये तीन मशीनें काम करती है जी। तो ये भैया देखो, ये ट्रैक्टर पे एक मशीन लगी है, लेबल करने वाली है। बघेल जी, ये देखिए, चीनी मिल गुलरिया के मैनेजर साहब हैं। अजय कुमार सिंह बघेल, सहायक महाप्रबंधक गन्ना गुलरिया चीनी मिल। तो ये देखिए, एक मशीन ये लगी है, क्यों अशोक जी? जी जी। और ये लगा हुआ है, तो इसका, इसकी कनेक्टिविटी क्या उस मशीन से भी है? नहीं, इसकी उससे है, वो जो खेत में लगा हुआ है बीच में। हाँ। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये उससे मशीन से वो कनेक्ट होती है, वो मशीन उस मशीन से कनेक्ट होती है। ठीक है। तो क्या आप उस मशीन को देखते रहते हैं जी, जो ट्रैक्टर में आपके बगल में लगी हुई? हाँ। अच्छा, उसी से होता सारा। उसी से सारा होता है? हाँ, अच्छा, हम समझ रहे थे आप केवल चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, और उस मशीन से अपने आप कुछ एडजस्ट कर लेता होगा। नहीं, हाँ, अपने आप ही कर लेता है, जहाँ ऊंचा होता है अपने आप कर लेता है, जहाँ नीचा होता है वहाँ छोड़ देता है। अच्छा जी। तो एक एकड़ के अगर लेबल करना हो तो कितना समय लगा लेते हैं? एक एकड़ में ज्यादा, अगर मतलब ज्यादा नहीं फर्क होना चाहिए, थोड़ा बहुत होगा तो 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। 2-2.5 घंटे में? कितने पावर का ट्रैक्टर चाहिए? ये 45 पावर का है। 45 हॉर्स पावर का। आप किराए चलाते हैं जी? कितना किराया एकड़ का ले लेते हैं? नहीं, घंटे के हिसाब लेते हैं। घंटे के हिसाब? 800 रुपए घंटे। 800 रुपए घंटे, तो 8 × 16 = 24, 2000 रुपए हो गए एक एकड़ के करना हो तो। एक बार अगर आपने खेत को लेबल कर दिया तो ये फिर कितने वर्षों के बाद फिर चलाना पड़ेगा या हर वर्ष चलाना पड़ता है? नहीं, चलाना नहीं पड़ेगा, जैसे लोहिया ना लगे। लोहिया क्या लेबल को? हाँ। लोहिया हल है, लेबल को खराब करता है। हाँ, खराब। लेकिन अगर वो रिवर्सिबल एमबी प्लाव चलाया जाए तो? हाँ, ऐसे साधारण चलाया जाए वाहन तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। लोहिया को छोड़ के? नहीं, अब तो रिवर्सिबल एमबी प्लाव आ गए, अगर उसको एक बार इधर से जाता है एक बार उधर से आता है, वो चेंज हो जाता है। हाँ। तो फिर वो लेबल खराब नहीं करता सर। वैसे भी 2 साल बाद लगवाने का? हाँ, 2 साल बाद। 2 साल बाद लगवाने पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क आता है। कुलदीप सिंह जी, बताइए, जब आप इस तरीके से लेबल करा लेते हैं तो फिर उत्पादन पे क्या फर्क पड़ता है? उत्पादन पे सर पड़ेगा फर्क, जीरो लेवल हो जाएगा, हमारी फसल में पानी बिल्कुल एक बराबर लगेगा। पानी लगने में पानी भी कम लगता होगा। अगर आपका खेत लेबल ना हो तब कितने घंटे लग जाते हैं उसमें सिंचाई करने में, और अगर जीरो लेवल हो तब कितना अंतर? जीरो लेवल पे हमारे 2 घंटे लग रहे हैं सिंचाई में। हाँ, सिंचाई में। अच्छा, अगर वैसे हम भर रहे हैं तो उसमें 4 घंटे लग रहे हैं, तो दुगना दुगना फायदा है इससे। उत्पादन पे कुछ फर्क पड़ता होगा? जी बिल्कुल पड़ता है। कितना फर्क पड़ जाता होगा जी? मान के चलिए, जहाँ ज्यादा पानी भरा रहेगा वहाँ गेहूँ, तो जैसे मान लो गेहूँ ही है तो वो दब जाएगी, बेकार हो जाएगी। सभी फसलों में फर्क पड़ता है? फर्क आता है। गन्ने पे कितना फर्क पड़ जाएगा? गन्ने पे भी सर पड़ जाता है, 20-25% उत्पादन में अंतर आ जाता है। यानी लेबल जरूरी है खेत का, समतलीकरण बहुत जरूरी है, और आधुनिक मशीन है समतलीकरण की। ये जो डब्बा है इसमें कुछ रखा है क्या? नहीं, इसमें डीजल रखने के लिए। अच्छा, ये डीजल रखने के लिए है, टूल बॉक्स है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आधुनिक समतलीकरण यंत्र है, लेबलर इसको बोल सकते हैं, कंप्यूटर करहा जिसको, और वो जो खेत में लगा हुआ है मशीन है, मशीन उससे कनेक्ट है। क्लोजअप में भाई दिखा देना, वो बीच में आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मशीन क्या, वो बल्कि सेंसर है, सेंसर है वो, सेंसर जो है इससे कनेक्ट है ट्रैक्टर के उससे, और सेंसर जो है इनको इंडिकेट करता रहता है कि लेवलिंग जो है कैसे करनी है, कैसे करनी है, कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, कहाँ पे गड्ढा है। अच्छा, वो देखता है। और ये ड्राइवर साहब के सीट के जस्ट बगल में है, तो सर उससे जो है एसेस करते रहते हैं, क्या बताता रहता है वो। अच्छा, वो पूरा है जी जी, वो बताता रहता है। इसके लिए आपको कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी पहली बार, या ऐसे चलाने लगे? मैंने किसी के साथ में सीखा था। सीखा था। चलिए भाई अशोक कुमार जी, बहुत अच्छा लगा, एक नई चीज आपने दिखाई।